हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स चैप्टर फर्स्ट करेंगे। तो इस अपना चैप्टर फर्स्ट है नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, तो नोइंग आवर नंबर्स में हमारा ये जो टॉपिक है ये है ऑर्डरिंग नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, जो नंबर है उनके ऑर्डर करना है, ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। तो ऑर्डरिंग नंबर कितने होते हैं हमारे, टू टाइप के होते हैं, एक तो असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, देखिए कि अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर, जैसे हम इसकी बात करते हैं, तो आपको कुछ भी नंबर दे रखे हैं, जैसे हमने लिया 2, 6, 12, 35, 47, ये लिखा। ठीक है, अब देखो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, पहले सबसे स्मॉल डिजिट, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे, यानी क्या करते हैं हम इसमें स्मॉल टू ग्रेटर की तरफ मूव करते हैं। तो ये तो हमारे क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, अगर मान इन्हीं डिजिट को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले लार्ज डिजिट लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे और फिर उससे, यानी क्या हो जाएगा, सबसे पहले लार्ज डिजिट, फिर उससे स्मॉल डिजिट, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे और फिर लास्ट में सबसे स्मॉल डिजिट आ जाती है। यानी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के डायरेक्ट बिल्कुल उल्टा होता है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, कम से स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा की तरफ चलते हैं, है ना। यानी स्मॉल से हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट की तरफ चलते हैं। इधर हमारा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, उसके बाद धीरे करते करते हमारी क्या जाएगी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आपको कुछ भी डिजिट देंगे तो आपको उसको ऐसे अरेंज करना है कि पहले सबसे स्मॉल, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। ठीक है, इसी तरह से डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ी आपके पास डिजिट लिखोगे आप, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर इस तरह से आप लिखोगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिल्डिंग नंबर्स। अब हमें क्या करना है, नंबर बनाने आने चाहिए कि नंबर हम कैसे बनाते हैं। तो देखो कि आपको कुछ भी नंबर दे देंगे, कुछ भी डिजिट दे देंगे, और फिर आपको क्या पूछेंगे कि आपको बताना है कि कुछ भी डिजिट दे दी, जैसे मैंने आपके पास लिखा 3, 5, 1 एंड 7, ये आपको कुछ नंबर्स गिवन है, और हम आपसे पूछेंगे कि इन नंबर्स के थ्रू आपको क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो देखिए इसे हम कैसे बनाते हैं कि अगर आपको बोलते हैं कि आपको 1, 2, 3, 4 फोर डिजिट गिवन है, और फोर डिजिट से आपको क्या बनना है, एक तो स्मॉलेस्ट डिजिट, है ना। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगी हमारे पास, कि देखो स्मॉलेस्ट डिजिट को हम कैसे लिखते हैं, कि आपको कोई सी भी डिजिट दें, जैसे आप 1, 2, 3, 4 फोर डिजिट है ना, तो अगर आपको स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें सबसे स्मॉल नंबर को लिखोगे। तो देखो 3, 5, 1, 7 में सबसे स्मॉल क्या है, 1 है, तो पहले 1 लिखेंगे। इसके बाद क्या आता है, 3, फिर 3, इसके बाद 5 और फिर उसके बाद 7, यानी क्या हो जाएगा, अब इसमें कॉमा नहीं लगाना है आपको, ठीक है ना। यहाँ तो अलग अलग कॉमा लगा के आपको डिजिट दे रखी थी, अब आपको क्या करना है कि फोर डिजिट का, देखो 1, 2, 3, 4 फोर ही डिजिट है हमारे पास अलग अलग, तो हमें क्या करना है, एक पूरी किसी डिजिट बनानी है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट, कि अगर हम इनको कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हमें मिलनी चाहिए। तो देखिए जब भी इस टाइप से आप स्मॉलेस्ट डिजिट लिखोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सबसे स्मॉल डिजिट लिखो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे और फिर सबसे बड़ी, ठीक है ना। यानी स्मॉल से आप ग्रेटर की तरफ चलोगे। इसी तरीके से अगर आपको पूछते हैं कि ग्रेटेस्ट, आपको ग्रेटेस्ट डिजिट बतानी है, ठीक है, तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट डिजिट, है ना, ये आप बोलो ग्रेटेस्ट नंबर, नंबर बोल लेते हैं अपन, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो ये डिजिट है, ये सब अलग अलग है ना, 3, 5, 1, 7 स्मॉलेस्ट, यहाँ पर भी नंबर लिख लो आप, स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया ये। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर की, तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे हो जाएगा, जैसे देखो ये स्मॉलेस्ट नंबर था, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर ये है, तो ग्रेटेस्ट के लिए अब आप क्या करोगे कि इस पूरे में आप क्या करोगे, सबसे पहले सबसे ग्रेटर वैल्यू लिखोगे, तो कितनी आ जाएगी, 7 सबसे ग्रेटर है, उसके बाद सबसे ग्रेटर क्या है, 7 के बाद 5 है, तो फिर हम 5 लिख देंगे। इसके बाद 5 के बाद अब क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, और अब क्या बचा, 1। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 7, 5, 3, 1, और स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया अपना,
1357, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रेटेस्ट नंबर लिख सकते हो और स्मॉलेस्ट नंबर भी लिख सकते हो। अब देखिए इसके अंदर, अब आपको ये अलग अलग डिजिट है, अगर मैं ये बात करूँ तो जिसे हमने ही लिखा, और फिर हम आपसे पूछे कि भाई आपको प्लेस वैल्यू चार्ट भी बनाना है इन्हीं का, तो कैसे बनाओगे? तो अगर हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट, है ना, तो प्लेस वैल्यू चार्ट हम बोले आपसे कि ग्रेटेस्ट नंबर का आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ये नंबर, इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, 1000, 100, 10 और 1। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो देखो 1, 10, 100 और 1000, इसको पूरी डिजिट नहीं लिखनी है अपन को, इसे शॉर्ट में लिखना होता है। तो अब 1 की जगह कितना जाएगा, 1, 10 की जगह 3, 100 की जगह 5 और 1000 की जगह 7। तो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू बना सकते हो, ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो किसी भी डिजिट की अगर आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है तो सबसे पहले तो आप इस तरह से अरेंज कर लो 1000, 100, 10, 100 और 1। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसी के नीचे पीछे से डिजिट लिखना स्टार्ट करना है, तो जैसे 1, 3, 5, 7, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्लेस वैल्यू चार्ट में आप डिजिट को अरेंज कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है 5710, ये आपको 4 डिजिट गिवन है 5710। अब इसमें क्या है, विदाउट रिपीटेशन, यानी हमको उनका रिपीटेशन नहीं करना है, यानी कि 5710 को एक एक बार ही लेना है। अब आपको क्या करना है, फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, आपको इन कॉम्बिनेशन से क्या करना है, 4 डिजिट नंबर हमको बनाना है। तो देखो हमें स्मॉलेस्ट बोला है, तो स्मॉलेस्ट मैंने क्या बताया था, सबसे पहले सबसे स्मॉल, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर सबसे ग्रेटर। अब देखो, अब आपके दिमाग में ऐसा जाएगा, मैम सबसे स्मॉल तो 0 होता है, तो सबसे पहले मैम हम तो 0 लिखेंगे, फिर 1 लिख देंगे, फिर 5, फिर 7। मैम आपने जिस तरीके से बताया उस तरीके से तो यही होगा, लेकिन अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इससे पहले जो हमने किया था उसमें 0 नहीं था। अब देखो उसमें 0 नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे 0 है। अब अगर आप पहले 0 लिखते हो, फिर 1, फिर 5, फिर 7, अगर आप इस तरीके से अरेंज करोगे, तो देखो किसी भी डिजिट के आगे आगे 0 लगा है, यानी कोई भी आपको नंबर गिवन है और उस नंबर के आगे अगर हमने 0 लगा दिया, तो इसका क्या होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये वैल्यू नहीं रखता है। अगर किसी नंबर के पीछे 0 लगता है, जैसे हमने यहाँ पे लिया, जैसे हम इस तरह बात करते हैं ना, देखो अगर हमने 1 लिया, है ना, अगर हम 1 की बात करें, जैसे हमने 1 लिखा, तो 1 के अगर हम पीछे 0 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। लेकिन अगर हम लिखें 1 और उसके आगे 0 लगा दें, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब ही क्या होता है, 1, ठीक है। अगर किसी डिजिट के आगे 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 1 के आगे 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम 2 लिख दें, इसके आगे 0 लगा दें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ही होगी। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि किसी डिजिट के अगर आगे 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो डिजिट ही होती है। लेकिन अगर इसी डिजिट के पीछे अगर हम 0 लगा देते हैं तो वो वैल्यूबल हो जाता है, यानी कि अगर हमने 1 के पीछे 0 लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे, अब आपको ये गिवन है 5710, और हमने क्या बोला है, 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो अगर हम 0 को आगे लिख देंगे, फिर 157 करेंगे, तो ऐसे तो आप बोलोगे तो 1, 2, 3, 4 मैम 4 हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, किसी भी डिजिट के आगे अगर हम 0 लगा देते हैं तो वो वैल्यू नहीं रखता है, यानी इसको अगर हम रीड आउट करेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम, इसको 157 पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको रीड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 157। तो अब ये देखो, ये तो 3 मार्क्स का हो गया, 3 डिजिट का हो गया ना, 1, 2, 3, 3 डिजिट का नंबर हो गया, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए लेकिन 4 डिजिट का चाहिए। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि 0 को फर्स्ट पोजीशन पर तो हम नहीं रख सकते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर फर्स्ट पर नहीं रख सकते तो इसको हमें सेकंड पोजीशन पर रखना होगा, ठीक है। तो अब देखो, सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे स्मॉल क्या है, 1। 0 को नहीं लेंगे, 0 को अपन हमेशा सेकंड पोजीशन पर ले सकते हैं, 1 पोजीशन पर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 1 पोजीशन पर लेंगे तो फिर वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको 1 पोजीशन पर नहीं ले सकते, ये सब आपका रफ है। अब देखो, अब इसको अगर हमें करना है तो हम क्या लिखेंगे, 1। अब 1 के बाद अब हम क्या लगा सकते हैं, 0। इसके बाद वही कि 1 हो गया, 0, इसके बाद
क्या जाएगा हमारे 5 और फिर 7, यानी कि डिजिट तो आपको हमेशा ऐसे लिखनी है। अगर स्मॉलेस्ट पूछा है ना, सबसे पहले सबसे स्मॉल, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। लेकिन अगर 0 कहीं आ जाता है तो 0 को आपको हमेशा क्या लिखना है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर रखना है। तो 1057 ये क्या हो जाएगा, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस 834। यानी अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो 834 थ्री डिजिट दे रखी है और बनानी कितनी है आपको, 4 डिजिट की बनानी। यानी कि अगर हमें 3 डिजिट दे रखी है तो किसी एक डिजिट को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो आपको बोला है इसमें से कोई एक डिजिट को आपको रिपीट कर सकते हो सिर्फ 2 टाइम्स, और आपको क्या बनाना है, 4 डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने क्वेश्चन है, अब हमने क्या लिख दिया, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सबसे क्या लिखते हैं, कोई भी डिजिट है तो सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट लिखेंगे। तो देखो 834 में ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है अपनी, 8, तो 8 लिखा हमने। अब देखो इसके बाद कोई भी एक नंबर हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, और हमें क्या लिखनी है, सबसे ग्रेटर डिजिट लिखनी है। तो 8 है तो 8 का ही हम रिपीटेशन द्वारा करेंगे, तो 8 8। इसके बाद अब देखो 3 और 4 है ना, तो सबसे पहले हम 4 लिखेंगे उसके बाद 3, यानी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे ग्रेटर, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर सबसे स्मॉल, इस तरीके से लिखते हैं, यानी इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम 8 का ही हमने डबल क्यों करा, हमने 4 का क्यों नहीं करा डबल, या हम 3 का डबल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखो ये तो हमारा क्या हो गया आंसर। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये बाकी की चीज़ आपको समझाने के लिए, इसे आपको करना नहीं है ना। अब देखो अगर हम 8 को डबल नहीं करते हैं, अगर हम क्या करते 4 को डबल करते हैं, तो हम क्या लिख देते 4 4 3 ऐसे लिख देते है ना। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, 8 8 4 और यहाँ पे कितना 8, तो ये ग्रेटर है ना, ये तो स्मॉल रह गया। तो अगर हम यहाँ पर हमने 8 8 को डबल रिपीटेशन करा था, 8 8 4 3 है ना, और यहाँ पे अगर हमने 4 का डबल बार रिपीट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, तो स्मॉल नंबर हो जाएगा ना इससे, यानी कि इसको तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि इससे स्मॉल हो जाता। अगर हम 3 का डबल बार रिपीटेशन करते हैं तो 8 4 3 3, तो देखो ये इससे स्मॉल है ना, ये तो इससे स्मॉल है ही से, ये इससे भी स्मॉल है, तो ये भी क्या हो जाता, इससे स्मॉल हो जाता। यानी कि अब हमें क्या लिखना था, हमें तो लिखना था 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो भी आपको सबसे लार्ज नंबर है ना, ये लास्ट डिजिट है, जो भी आपको गिवन डिजिट में से सबसे लास्ट डिजिट को आपको क्या करना, उसी का रिपीटेशन करना है। तो किसी एक डिजिट का हम 2 टाइम रिपीटेशन कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, 8 का रिपीटेशन 2 टाइम्स करा दो, 8 8 4 3। तब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने 8 का ही क्यों लिया, क्योंकि अगर हम किसी और का लेते तो भी हमारी जो भी डिजिट बनती वो उससे स्मॉल ही होती, इसलिए हमने 4 का और 3 का रिपीटेशन नहीं करा, हमने 8 का रिपीटेशन किया है। तो इसको आपको तो नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये सिर्फ समझने के लिए था, आपका आंसर इतना ही है, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। इसके बाद अगर आपको बोलें कि इसी तरीके से आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है ना, तो हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब देखो अब हमें स्मॉल लिखना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट के लिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे ग्रेटर, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, इसी तरीके से स्मॉलेस्ट लिखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम सबसे स्मॉल, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर लिखते हैं। तो अभी देखो 834 में सबसे स्मॉल क्या है, 3 है, तो हमने 3 लिखा। अब रिपीटेशन भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 का ही करेंगे, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा अपना 4, और फिर कितना आ जाएगा अपना 8, तो 3 3 4 8 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको भी समझने के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने 3 3 का ही क्यों लिया, क्योंकि अगर देखो हम 3 को एक बार करके 4 4 का करते, 4 को डबल बार करते, तो ये क्या हो जाता, ये इससे ज़्यादा है, जबकि हमें सबसे स्मॉलेस्ट देखना है, तो देखो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा ना, यानी सबसे स्मॉल तो ये रहा, क्योंकि हमें सबसे स्मॉल लिखने, अगर हम ये नंबर लेंगे तो ये तो इससे भी ज़्यादा है, तो हम ये नंबर ले ही नहीं सकते। इसी तरह से अगर हम 8 को डबल बार रिपीट करते तो ये तो और भी ज़्यादा ग्रेटर हो जाता है ना।
तो इसलिए हम नहीं ले सकते, हमें तो सबसे स्मॉल लिखना है। तो सबसे स्मॉल तो देखो कौन सा है, ये वाला बनाना हमारा सबसे स्मॉल, तो इसलिए हमने ये नंबर लिया। इसलिए अब आपको याद रखना है कि स्मॉल डिजिट के बारे में अगर आपको बोलते हैं तो आप क्या करोगे, स्मॉल डिजिट का ही रिपीटेशन करोगे। तो जैसे यहाँ पे आपको 3 डिजिट गिवन थी और आपको 4 डिजिट का नंबर लिखना है, तो अगर सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट आपको लिखनी है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर आपको लिखना है, तो 3348 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, कितना हो गया हमारा 3348। उसी तरीके से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, अब ग्रेटेस्ट है तो हाईएस्ट डिजिट को आप रिपीट करोगे तो 8843 आ जाएगा। तो जिस तरीके से ये था, ये रफ है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये भी पूरा रफ है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ ये और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी थ्योरी और ये सब नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है कि अगर आपको कुछ भी डिजिट दे दें तो आप कैसे उसका स्मॉलेस्ट नंबर लिखोगे और कैसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखोगे, ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। आपको ये स्टेटमेंट गिवन है और आपको क्या बताना है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो फर्स्ट में करते हैं अपन, आपको इसमें क्या दे रखा है कि आपको देखो इसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का है ये। ये कितने डिजिट का अपना, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या है, डिजिट दोनों की सेम है। यानी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको डिजिट को कंपेयर करना है, देखो ग्रेटर देन लेस देन ही साइन लग रहे हैं ना, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, डिजिट को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी हम डिजिट को कंपेयर करते हैं सबसे पहले हमें डिजिट काउंट करनी होती है। अब इसमें तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो अब हम कंपेयर कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट वाली डिजिट देखेंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट क्या है यहाँ पे, 4, और यहाँ पे क्या है, 8 है। तो देखो 4 और 8 में सेम, 8 अपना क्या है, ग्रेटर है, तो इसलिए जब 8 ग्रेटर है तो 8 के आगे क्या लगा, ग्रेटर का साइन लग गया। तो ये डिजिट इससे क्या हो जाएगी, ये स्मॉल हो जाएगी और ये हमारी ग्रेटर हो जाएगी, और यही आपको दे रखा है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट क्या है, ये हमारी ट्रू है, ठीक है। अब देखो सेकंड, अब इसमें 1 2 3 4 5, 5 डिजिट की है ये, 1 2 3 4 5, ये भी 5 डिजिट की है। अब हम इसमें कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट वाला लेंगे सबसे पहले, फर्स्ट 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। तो देखिए 8 और 2 में से, अब यहाँ पे क्या लगा रखा, ग्रेटर 2 पे लगा रखा है ना, इसने क्या बोला है कि भाई 2 तो ग्रेटर है, 8 स्मॉल है, जबकि ऐसा होता है क्या, नहीं, 8 ग्रेटर होता है ना, दैट मीन्स ये साइन गलत है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। इस तरीके से आप इसे करोगे। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट एक और कर लेते हैं, चलो ये वाला स्टेटमेंट है, इसमें 1 2 3 4 5, ये भी कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 5 है। अब देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 3 तो कॉमन हो गया। अब जब कोई चीज़ कॉमन आ जाती है ना, इक्वल होती है, तो हम नेक्स्ट डिजिट से कंपेयर करते हैं। तो 3 3 तो यहाँ पे कॉमन है, तो अब नेक्स्ट कितना है यहाँ पे, 4 और यहाँ पे 0। तो देखो 4 है यहाँ पे तो, और यहाँ पे क्या है, 0, तो 4 हमारा ग्रेटर है ना, तो साइन ऐसे ही आना चाहिए, और देखो ऐसे साइन आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब ये वाला जो डी है, ये आप होमवर्क में करोगे। यानी आपको क्या करना है, जितनी डिजिट आपकी इक्वल है, सेम है, उसको हटा के बाकी उसकी नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद हर एक नेक्स्ट डिजिट को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो जब हमने यहाँ पे देख लिया 4 क्या है, 4 इज ग्रेटर देन 2 0, तो हमें आगे की, जब हमें यहीं से पता पड़ गया कि भाई 4 ग्रेटर है, तो हमें बाद की डिजिट को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम साइन ये लगा देंगे। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर यूजिंग दिस मार्क्स। अब देखो सबसे पहले ये वाला करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे 4 2 5 9, ये कितना है, 2 5 9 4, ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है। अब हम कंपेयर करेंगे अगर, तो देखो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 4, और इसकी 2, तो 4 इज ग्रेटर देन टू 2, तो क्या लग जाएगा साइन, ये वाला साइन लग जाएगा। बस समझ में आई अच्छे से आपको। इसके बाद देखते हैं, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 39751, और इसमें भी क्या है, 39751। तो अब यहाँ पर देखो आपको दोनों डिजिट इक्वल है ना, ये और ये, तो यहाँ पे किसका साइन लग जाएगा, इक्वल का साइन लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी कितना है अपना,
24680 दोनों तरफ डिजिट इक्वल है तो यहाँ पर भी साइन किसका लग जाएगा, इक्वल का लग जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो 9 9 दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 5, तो 5 ग्रेटर होता है तो साइन किसका लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों बुक में ही करने हैं, है ना, कॉपी में करने की इनको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है अपना, फ्रॉम अ न्यू नंबर बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट फॉर द फॉलोइंग प्लेसेस। अब आपको क्या करना है, आपको ये नंबर दे रखे हैं और आपको ये पोजिशन दे रखी है जिसे आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अब हमें क्या करना है, आपको ये नंबर गिवन है, आपको क्या करना है 100 प्लेस एंड 1 प्लेस, इन दोनों को क्या करना है आपको इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिख देते हैं जिसे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कितना होता है अपना 1, फिर 10, फिर 100 और फिर 1000, 1 10 100 1000, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये लिख दिया, अब हम इसको डिजिट लिखेंगे। तो देखो 2 3 7 8 हमने डिजिट लिख दी। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमने सिंपल डिजिट लिखी है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ देखो 1 10 100 1000 लिखना है आपको। इसके नीचे ये जितनी भी डिजिट है आपको वो डिजिट लिख देनी है। अब आपको क्या करना है, आपको अब एक नया नंबर बनाना है, और नया नंबर कैसे बनाना है, क्या चेंज करना है हमें, देखो 100 प्लेसेस एंड 1 प्लेसेस, यानी कि 100 और 1 प्लेसेस को इंटरचेंज करना है आपको। तो 100 प्लेसेस कौन सी है हमारी 3, और 1 प्लेसेस हमारी क्या है 8, यानी ये जो दो नंबर हैं हमारे 3 और 8 इनको इंटरचेंज करना है, यानी जहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या 8 है, तो 8 की जगह तो हम क्या लिख देंगे, इस 3 को लिख देंगे, और 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, 8 को लिख देंगे। ठीक है, तो देखो इंटरचेंज करेंगे तो अब ये जो 8 है ना, 8 यहाँ पर आ जाएगा, 8 जब यहाँ पर आ जाएगा तो 8 की जगह क्या आ जाएगा, 3 की जगह क्या आ जाएगा 8, और उसी तरीके से अब 3 है ना, 3 भी क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर आएगा, तो 8 की जगह कितना हो जाएगा अपना 3 हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट जब वैल्यू बनेगी तो हमारी क्या बन जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 2, तो 2, अब 3 की जगह कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 8 यहाँ पर आ गया ना, इंटरचेंज हो गया, तो 8 आ जाएगा, 7 7, अब ये 3 है, ये 3 यहाँ पर आ गया 8 की जगह, 8 जब यहाँ पर आया तो यहाँ जगह खाली हो गई ना, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो नई डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब आपको जब कॉपी में करोगे तो इस तरीके से मत करना, इस तरीके से लाइन मत बनाना, ठीक है ना। सिंपल क्या लिखोगे आप, 1 10 100 1000, फिर आपको डिजिट लिख देनी है, देन इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे बना के इंटरचेंज लिख देना है इसी नीचे, ठीक है। और इंटरचेंज करोगे या शिफ्टिंग लिख दोगे, आफ्टर शिफ्टिंग यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि हमने इंटरचेंज किया ना, आप क्या लिखोगे, इंटरचेंज 100 प्लेस एंड 1 प्लेस, इसके बाद आपके क्या आ जाएगा, शिफ्टिंग, आफ्टर शिफ्टिंग, अब आफ्टर शिफ्टिंग आपकी क्या आ गया, ये डिजिट आ गई, तो ये आंसर हो जाएगा आपके। इसी तरीके से नेक्स्ट है अपना बी पार्ट, बी पार्ट हम करते हैं। अब देखिए बी पार्ट है अपना, आपको क्या गिवन है, 4079 100 प्लेस एंड 10 प्लेस, यानी आपको 100 प्लेस एंड 10 प्लेस को क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है या इंटरचेंज करना है। तो कैसे करेंगे, वही सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 10 100 और 1000, तो लिखते हैं अपन 1 की जगह 9, 10 की जगह 7, 100 की जगह 0 और 1000 की जगह 4 आ जाएगा। अब हमने ये लिख दिया, अब हमें क्या करना है, हमें शिफ्टिंग करनी है, इसके बाद हमें न्यू नंबर फाइंड करना है, तो शिफ्टिंग करनी है तो हम यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं अपन, इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ द डिजिट। अब देखो हमें प्लेस वैल्यू की डिजिट चेंज करनी है ना, और कौन सी करनी है यहाँ पे आपको, ये देखो 100 प्लेस यानी 100 पर क्या है हमारे 0, और एंड 10 प्लेस 10 पर कितना है 7, यानी 0 और 7 को आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरचेंज द प्लेस ऑफ द डिजिट 0 एंड 7, ठीक है, इसको लाइन को आपको लिखना है। इसके बाद न्यू नंबर,
न्यू नंबर बोलो, और या हम क्या बोल सकते हैं आफ्टर शिफ्टिंग, कुछ भी लिख सकते हो, या तो आप न्यू नंबर लिख लो या आप आफ्टर शिफ्टिंग लिख लो, क्या आएगा आपका। अब देखो फोर फोर रहेगा, अब हमें इन दोनों को शिफ्टिंग करना है ना, जीरो और सेवन को, तो जीरो की जगह सेवन आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो को हटा के यहाँ पे लिख देते हैं अपन सेवन, अब सेवन की जगह क्या जाएगा जीरो, क्योंकि इन दोनों को इंटरचेंज करना है, और नाइन एज इट इज रहेगा। तो अपना आंसर कितना जाएगा 4709, ये आंसर हो जाएगा। तब आपको जो कॉपी में करना है उसको इस तरीके से लिख के करना है ना, ऐसे करके मत करना। ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है, इसलिए मैंने आपको इस तरह से करके बताया है, बाकी आपको जब कॉपी में करना है तो इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बना के इसे आपको जो नंबर है दिया हुआ है इसको अरेंज करना है, उसके बाद इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ डिजिट जीरो और सेवन, आपको जो भी नंबर दे रखा है उसको इंटरचेंज करेंगे। जैसे अगर हम इसी की बात करते तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इंटरचेंज द प्लेस ऑफ द डिजिट थ्री एंड एट, तो थ्री की जगह एट आ जा रहा है और एट की जगह थ्री आ जाएगा, इसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी हो गया। अब इसके बाकी का सी और डी पार्ट आपको इसको होमवर्क में करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट। अब आपको ये डिजिट गिवन है, ये तो बहुत ईजी है, आप आराम से कर पाओगे। देखो इसका फोर्थ का अपन फर्स्ट पार्ट करते हैं, आपको क्या गिवन है 3715, क्या गिवन है 3715। अब आपको सबसे क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। अब सबसे मैंने आपको क्या बताया था, स्मॉलेस्ट नंबर है ना, यानी सबसे पहले सबसे स्मॉल कितना जाएगा थ्री, फिर इससे ग्रेटर, सॉरी सबसे स्मॉलेस्ट वन, उससे ग्रेटर थ्री, फिर इससे ग्रेटर फाइव, फिर इससे ग्रेटर सेवन, यानी वन थ्री फाइव सेवन, स्मॉल टू हाईएस्ट नंबर लिखेंगे। सबसे स्मॉल, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, तो वन थ्री फाइव सेवन ये स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। अगर अब हमें इसी का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। अब देखो ग्रेटेस्ट लिखा है ना, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट में आपको पता है सबसे पहले ग्रेट वैल्यू यानी कि क्या जाएगी सेवन, सबसे ग्रेटर है, फिर फाइव, फिर थ्री और फिर वन, तो ये तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा और ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने करा। अब ये वाला क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, सी क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है, डी क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है, बाकी फर्स्ट और सेकेंड आपको सिर्फ बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है। तो हमने यहाँ तक करी, इस क्वेश्चन को आप घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं।